मेरा जी तुम जेल के सलाखों में रहोगे। जते बोले और जहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तुमने पैखाना घोटाला तक खा दियो, सुरजन घोटाला, पैखाना घोटाला और आपके जल नल योजना घोटाला। देखिए, 5 साल इन्होंने राज किया होगा, खूब झूठ बोला, खूब आश्वासन दिया लोगों को, और आश्वासन देके लोगों को कुछ नहीं मिला, टंटन गोपाला मिला। इलेक्शन कंप्लीट हुआ 2019 का, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी इसी तरह लॉलीपॉप देखा है, ये देंगे वो देंगे, 0/0 हो गया। अब ये देख रहे हैं कि 2020 में आरजेडी माने तेजस्वी यादव जी की जो जनाधार बरतावा जा रहा है, जो आरजेडी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2020 में, तो अब इनकी कुर्सी और ज़मीन खिसकती भी जा रही है। तो अब इलेक्शन के समय में नया फंडा लाया गरीबों के लिए पैकेज। अरे गरीबों को क्यों, तुम नौकरी तो दो, नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, हैं? खाली तुम 1,500 रुपया देखो गरीबों की मदद के लिए, उससे जिंदगी गुजर जाएगी, हैं? कम से कम गरीबों को नौकरी तो दे दो, रोजगार तो खड़ा करवा दो, तब ने माने कि हमारे प्रधानमंत्री गरीबों की चिंतक है। इलेक्शन का समय आता है लॉलीपॉप दिखाने के लिए, और फिर ये झूठ का पिटारा लाएंगे और गरीबों के सामने दिखाएंगे, और गरीब बेचारी भोली भाली जनता है और इनके फेर में आ जाती है। लेकिन मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि इन फरेबियों के जाल में नहीं आना है, इनसे रोजगार मांगो, नौकरी मांगो, तब उस पर बात बनी। लेकिन ये नौकरी भी नहीं देंगे, रोजगार भी नहीं देंगे, ये भीख का पिटारा लेके आए हैं बिहार की जनता को भीख बांटने के लिए। 1,000-1,500 रुपए में क्या उनकी जिंदगी गुजर जाएगी? है हिम्मत तो परमानेंट इंतजाम करें। 15 साल माननीय मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, और उप मुख्यमंत्री आपके सुशील मोदी जी रहे, क्या किया उन्होंने गरीबों के लिए, कौन सा रोजगार खड़ा किया, कौन सी फैक्ट्री लगाई? आज ही नीरज कुमार कह रहे थे कि जब लालू यादव का शासन था तब सड़कें नहीं बनी थी, हमारे शासन में देख लीजिए कोई अलकतरा घोटाला नहीं होता है, कोई चारा घोटाला नहीं होता, आप लोग चारा अलकतरा खाने वाले लोग हैं। अभी सुरजन कैसा है, तुमने पैखाना घोटाला तक खा दियो, सुरजन घोटाला, पैखाना घोटाला और आपके जल नल योजना घोटाला, जल जीवन हरियाली घोटाला, कितने घोटाले हैं। जिस दिन तुम्हारा ने घोटाला का जिस दिन खुलेगा, उस दिन नीरज जी तुम जेल के सलाखों में रहोगे। जिते बोले और जहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट क्या ये मुख्यमंत्री की है? ये मान लो कि ये तुम जैसे कि तुमको सलाम और प्रणाम ठोकना चाहिए, सलूट देना चाहिए, ये आपके रघुवंश बाबू का कि यूपीए सरकार में थे, 34,000 किलोमीटर रोड बिहार को बनवाया था उन्होंने ग्रामीण कार्ड से, और उसकी फीता काट लिए, तो आप बोल रहे कि हमने विकास किया? यह आरजेडी के लोगों की दायित्व थी, 34,000 किलोमीटर रघुवंश बाबू ने रोड बनवाया था पूरे बिहार में, और यूपीए की सरकार थी उस वक्त, और रघुवंश बाबू आपके ग्रामीण कार्य मंत्री थे, आप नाम कमाने हैं। है हिम्मत, कौन सा विकास उसके बाद कौन सा रोड बनाया इन्होंने 15 साल में, कौन सा फैक्ट्री लगा दिया, कौन सी फैक्ट्री खोल दिया, सारी शुगर फैक्ट्री बने हैं, एक चल रही थी हमारे जिला में, उसको भी इतना टॉर्चर आपने कर दिया कि फैक्ट्री बन के कगार पे है,